सिक्सटीन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, एन 50 हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स एस 10, एस 10 कितना दिया हुआ है अभी 210, तो n by 2 यानी कि 10 by 2 2a प्लस 9d दैट इज इक्वल टू 210, ये कट हो गया 5 इंटू 2a प्लस 9d दैट इज इक्वल टू 210, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 210 अपॉन 5 से इसको काट दो 5 4 42 ठीक है कितना आया 42 दैट इज इक्वेशन 1। एन हमारा 50 है, एन कितना है 50 मतलब इस सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म्स हैं 50 है राइट। देखो जरा और दूसरा दिया हुआ है कि सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, लास्ट 15 टर्म्स का मतलब बच्चों पूरी 50 टर्म्स के सम में से क्या माइनस कर दें, एस 50 में से क्या माइनस कर दें, बिगनिंग की 35 टर्म्स का सम माइनस कर दें, और ये हमें कितना दिया हुआ है बताओ जरा 2565 राइट। S50 क्या होगा 50 by 2 2a प्लस 49d माइनस S35 35 by 2 2a प्लस 34d दैट इज 2565 करेक्ट। हाफ यहां से कॉमन लिया हमने और 5 भी कॉमन लिया ठीक है कितना आ गया 10 इंटू 2a प्लस 49d माइनस 7 2a प्लस 34d दैट इज इक्वल टू 2565 करेक्ट। इसको उधर लेके जाओ ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, इसको सॉल्व करो कितना हुआ ये 28 प्लस ये कितना होगा 490d माइनस 14d और ये कितना होगा क्या आएगा भाई 238d दैट इज इक्वल टू 1026 तो बताओ 20a माइनस 14a है ये डी नहीं है 14a 6a 252d is equal to 1026 कुछ कैंसिल हो रहा है 2 से हो जाएगा 3 भी हो रहा है ना 2 से भी 3 से भी तो 6 ही पूरा कैंसिल हो जाएगा फिर इसका मतलब a प्लस बताओ 6 से डिवाइड करो इसको 6 से डिवाइड करो 6 से जाएगा 42d इधर सर 1 सेकंड 170 और एक इक्वेशन पहले भी हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो ए इज इक्वल टू 171 माइनस 42d इसको वन में डाल दो 2 इंटू 171 माइनस 42d दैट इज इक्वल टू 42 प्लस में 9d दैट इज इक्वल टू 42 करो यहाँ से सिंप्लीफाई निकालो डी की वैल्यू ठीक है इतना मुश्किल नहीं है इजी है करो डी की वैल्यू निकालो बताओ जरा ये क्या आया बोलो 342 माइनस 84d प्लस 9d सो क्या हो गया ये 342 माइनस बताओ 75d is equal to 42 so 342 minus 42 is equal to 75d बताओ ये क्या आया equal to 75d ये कितना आ रहा है 300 is equal to 75d यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई 4
डी फोर आ गया। अब ये हमारे पास ए क्या है बताओ, ये निकालना है। ए बताओ क्या है, इस इक्वेशन को यूज कर लो, इक्वेशन टू को यूज करो। ए कितना आएगा, ए इज इक्वल टू 171 माइनस 42 इनटू 168 फोर। सर सेम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, कौन सी सेम, जिससे अपने हमने निकाला है फोर, सर थ्री आएगा, कोई भी यूज कर सकते हैं। कौन सा, कहाँ की बात कर रहे हो, चलो 170 माइनस A इज इक्वल टू क्या आ गया 3 A 3 आ गया और D क्या है 4 A 3 आ गया और D क्या है 4 A 3 बनाओ A 3 क्या होगी 3 3 7 11 11 या आप ये ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भी जरा पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 17 सम ऑफ एन टर्म्स, Sn डिनोट द सम ऑफ एन टर्म्स, Sn क्या डिनोट कर रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ इट, देन प्रूव दैट Sn इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है S12, ये लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा लिख देता हूं, S12 इज इक्वल टू 3S8 माइनस 3 इनटू S8 माइनस S4, ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो जरा ये प्रूव करना है, राइट बच्चों, आरएचएस को लेके चलो। आरएचएस क्या है आपके पास, 3 into S8 minus S4। आरएचएस क्या है, दिस, ठीक है, ये आरएचएस है, ओके, दिस इज 3 into S8 का फॉर्मूला बताओ, 8 by 2 into 2A plus 7D माइनस एस फोर का फॉर्मूला बताओ, 4 by 2 2A plus 6D राइट। अच्छा बच्चों अंदर से 4 बाहर निकालो, 2 भी बाहर निकालो, स्प्रेडशीट आप भी देखो इसको, अंदर से 4 भी, क्योंकि हमें 12 लाना है ना, और 12 टर्म्स के सामने होता है 12 by 2 into 2A plus 11D, तो आप अंदर से 4 को बाहर निकालो, तो 3 into 4 और नीचे का 2B, हाँ 3D नहीं होना चाहिए, 3D या 3D होगा भी, क्या होगा यहाँ पर 3D, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर आपने 4 बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2, और 2 तो 2 भी कॉमन ले लिया आपने, तो ये क्या बचा, 2A plus 7D, और आपने कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया, वन बचेगा माइनस 2A plus 3D, क्लियर है, दिस इज 12 by 2, बच्चों ये क्या बना, ओपन करो, 4A plus 7 14D minus 2A minus 3D, देखो जरा, दिस इज 12 by 2, कट नहीं करना, मैं बताता हूँ क्यों नहीं करना है, 12 by 2 4A and 2A क्या हो गया, 2A 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 11D, इसको ध्यान से देखो क्या है, 12 by 2A 2A plus 11D क्या है, सो दिस इज S12, हमें यही प्रूव करना है, 3 into this S8 minus S4 is equal to S12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में sum of n 2 and 3 n terms of AP be S1, S2 and S3 respectively, then prove that, बच्चों sum of n terms, sum of n 2 n and 3 n करवाऊँ ये,
हमारे लेवल से कितने लेवल? चलो इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है? सो 18 का भी छोड़ते हैं। तो ये आया था पेपर में, देखूंगा पेपर, पेपर में आया हुआ होगा तो करवा कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा समय, ठीक है? चलो आगे देखो। ये करवा देता हूँ, कर ही लेते हैं। देखो 18 वाला एपी है, एपी की फर्स्ट हमको ए अज्यूम कर लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी, कॉमन डिफरेंस को क्या अज्यूम कर लेते हैं डी। बच्चों एस वन क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स, तो ये होना चाहिए एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। एस टू क्या है? सम ऑफ टू एन टर्म्स, तो ये क्या होना चाहिए टू एन बाई टू टू ए प्लस टू एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है? एंड बच्चों एस थ्री क्या है? सम ऑफ थ्री एन टर्म्स, ये होना चाहिए थ्री एन बाई टू टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन इन टू डी, दिस करेक्ट। अब आपको क्या प्रूव करना है? दिस टू प्रूव क्या है? एस थ्री टू प्रूव क्या है? एस थ्री इज इक्वल टू थ्री एस टू माइनस एस वन, थ्री एस टू माइनस एस वन, ये आपको प्रूव करना है। देखो बच्चों फिर से आरएचएस लेके चलो, आरएचएस आरएचएस में है हमारे पास थ्री इंटू, परीक्षित आप ही करो इसको, एस टू माइनस एस वन, ये आपने हो गया आपको, करो फिर थ्री इंटू व्हाट इज एस टू, एस टू देखो क्या है, टू एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, माइनस एस वन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, करेक्ट, ये एक ब्रैकेट हो गया है, ठीक है बच्चों, देखा आपने। अच्छा एक काम करो, आपको प्रूव क्या करना, देखो एस थ्री के इक्वल लेके आना ना इसको, और एस थ्री कितना होता है? एस थ्री मतलब थ्री एन टर्म्स का सम, थ्री एन टर्म्स का सम होता है थ्री एन बाई टू, ध्यान से देखो आपको थ्री एन लेके आना है, थ्री एन अपॉन टू। अब वो कैसे आ सकता है? देखो बच्चों यहाँ पर थ्री है और अंदर से आप एन बाई टू कॉमन निकाल लो, अगर आप अंदर से एन बाई टू कॉमन निकालते हैं तो ये आपके पास क्या हो गया, कुछ कैंसिल वैंसिल मत करो, कहीं आपको यहाँ पर टू दिखाई दे रहा है तो आप टू कैंसिल कर दो, ऐसा मत करो, ठीक है? अच्छा एन बाई टू कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, टू इंटू टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी, करेक्ट, माइनस ये क्या होगा बच्चों, एन बाई टू कॉमन ले लिया टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, समझ आया? ठीक है यहां तक सबने लिख लिया, अच्छा yes. इसको ओपन करो, क्या बन गया 4a प्लस ये क्या होगा बच्चों 4n 4n माइनस 2 इनटू d, जब ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4n माइनस 2 बनेगा इनटू में d, माइनस माइनस ये हो गया 2a माइनस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है, दिस इज थ्री एन बाई टू फोर ए माइनस टू ए टू ए प्लस, अच्छा इन दोनों में ध्यान से देखो डी कॉमन ले लें, इन दोनों में बच्चों डी कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बचेगा 4n माइनस टू, करेक्ट, माइनस में ये क्या है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस एन होगा प्लस वन होगा इनटू डी, बताओ अगर ये समझ नहीं आया तो, दिस इज 4n माइनस टू और ये n माइनस वन, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस एन होगा और प्लस वन होगा,
राइट, ये यहाँ पर लिखा हुआ। सो दिस इज 3n बाई 2 2a प्लस 4n माइनस n 3n एंड माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2। अब ये बताओ मुझे क्या है, 3n by 2, 2a plus 3n minus 1 into d क्या होता है? ये S3n 3n terms का सम है, ये किसी AP की 3n terms का सम है। और बच्चों 3n terms के सम को क्या बोला हुआ है? S3 बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? 3n terms के सम को S3 कहा हुआ है। So this is S3, यही है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकली सॉल्व करना पड़ेगा कि पिछले वाले जैसे आप इसको कट करने की बजाय डायरेक्ट कॉमन। ठीक है, पढ़ो जरा 19 क्वेश्चन को रीड करो। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एपी, एपी की पी टर्म्स का सम, दैट इज एस पी, इज सेम एज दैट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स एस क्यू, ये दिया हुआ है। ठीक है, देन शो दैट sum of first p plus q terms is equal to s of p plus q sum that is equal to 0। ये प्रूव करना। फर्स्ट पी टर्म्स का सम किसके इक्वल दिया हुआ है? सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, और क्या प्रूव करना है? p plus sum of p plus q terms is 0। ओके, देखो जरा p टर्म्स का सम क्या होता है, p by 2। परीक्षा आप जान ही रहे आज 2a क्या दो सम क्यों आ गई ये एक्सरसाइज, दिस इज इक्वल टू कितने सम है? 35 सम है। तो ऐसी लोग चीट जब ना होगी मेरे बात कर लीजिए। हाँ चलो, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स, क्यू बाई टू, 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या प्रूव करना है? दोनों साइड से टू कट करते हैं, पी को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2ab। सर टू काटना नहीं था, मतलब काटना मतलब ऐसे काट सकते, काट दिया। ये हो गया p इनटू p माइनस 1 इनटू d इज इक्वल टू, यहां से बेटा क्या आएगा, 2aq प्लस q इनटू q माइनस 1 करेक्ट। पी को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, टू ए क्यू है सर, टू ए, टू ए क्यू, ए क्यू लिखा हुआ है, टू ए क्यू, टू ए भी कार्ड देते हैं, ए भी कार्ड, जब नीचे आपका कार्ड ही रहा, हाँ सर, फ्रेंड्स सर आपके, टू ए पी माइनस हीट कर दिया, 2ap minus 2aq, इस टर्म को हम लेफ्ट में ले आए तो ये क्या बनेगा, 2ap minus 2aq, एंड बच्चों इसको एज इट इज रखेंगे, p into p minus 1 into d minus, ये टर्म क्या है, q into q minus 1 into d, that is equal to 0, correct? Sir, देखो जरा यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से मैं 2a कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा, p माइनस क्यू, एंड बच्चों यहाँ से मैं d कॉमन ले रहा हूँ, एक तो मैं d कॉमन ले रहा हूँ और इस ब्रैकेट को भी मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी माइनस, ये बताओ, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस क्यू इंटू डी, दैट इज इक्वल टू जीरो। एक बार ध्यान से देखो, टू ए सर डी आपने दो बार कॉमन लिया, डी दो बार लिख दिया, एक डी हो गया आंसर, टू ए इंटू यहाँ पर क्या है, पी माइनस क्यू प्लस डी, यहाँ पर देखो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, पी इसके दो फैक्टर बनेंगे, इनको कंबाइन कर लें तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, एंड बच्चों इन दोनों को कंबाइन करें और माइनस कॉमन ले लें
क्या बचेगा, पी माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू टू ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस, जो इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, पी माइनस क्यू यहाँ पर है एंड पी माइनस क्यू यहाँ पर भी है, सो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, पी माइनस क्यू, ब्रैकेट में आपके पास क्या बाकी बचेगा, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब आप यहाँ से पी माइनस क्यू कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बाकी बचेगा, टू ए प्लस वन, टू ए, ठीक है, एंड पी माइनस क्यू यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा, टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू क्या, डी, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। अब एक बात बताओ, ठीक है, सुनो ध्यान से, पी माइनस क्यू इंटू दिस, पी माइनस क्यू इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो, आइदर दिस इंटू दिस फॉर दिस इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो, सो आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, बट बच्चों पी माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बताऊंगा क्यों, सो क्या आ गया, 2a plus p plus q minus 1 into d is equal to 0. This is relation 1. ये क्यों 0 होगा भाई? ये 0 1 क्यों? 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो sum of p terms is equal to sum of q terms दिया हुआ है. मतलब ये p कुछ अलग नंबर है, q अलग नंबर है. ठीक है? अगर मैं कहूं कि 5 टर्म्स का सम 10 टर्म के सम के बराबर है तो कोई मीनिंग बनता है, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूंगा ना 5 टर्म्स का सम 5 टर्म्स के सम के बराबर है, तो अगर मैं ऐसा कहता हूं कि 5 टर्म्स का सम 5 टर्म्स के सम के बराबर है, मतलब p इज 5 q इज 5, बट उसका कोई लॉजिक नहीं बना, है ना, मतलब q और q अलग अलग है, दोनों को मैं 5 5 तो नहीं कर सकता, सो अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो p माइनस q 0 कैसे होगा, ये एक अलग नंबर है, ये 10 है, ये 5 है, जीरो कैसे होगा, तो ये जीरो नहीं हो सकता, जीरो आपका क्या होगा, ये वाली टर्म जीरो होगी, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना, इसको ध्यान रखो कि ये आपको ये रिलेशन आपको दिखाया जा सकता, अब आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड आपको करना था सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, बच्चों एस पी प्लस क्यू एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ ये क्या होना चाहिए, p plus q by 2 into 2a plus p plus q minus 1 into d, हम Sn का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, यही लिखते हैं ना, तो p plus q terms का सम क्या होगा, p plus q 2 n by, ये n के जगह पे है, 2a plus n minus 1 into d, बट बच्चों ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये वाली टर्म, ये तो हम जीरो प्रूव करके आए हैं, देखो ये, तो इसके जगह आप क्या डालेंगे, p plus q upon 2 into 0, तो sum of p plus q terms क्या आ गया, जीरो जीरो, यही होता था, फिर आज का लास्ट सम करें, फिर आज के लास्ट का नहीं करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ ap, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ ap bn, यानी कि क्या दिया हुआ है हमें, sm, sm किसके बराबर दिया हुआ है, दिस sm किसके बराबर दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स bm, Sn is equal to n, Sn is equal to m, और प्रूव क्या करना है, then show that sum of first m plus n terms, no, this minus n plus s m plus n की वैल्यू क्या प्रूव करनी है आपको, minus m plus minus of m plus n, sum of m terms दिया हुआ है, n terms दिया हुआ है,
ठीक है एंड ये प्रूव कर दिया। एस एन का क्या होगा बच्चों, m by 2 एस एन क्या होगा m by 2 2a plus m minus 1 into d दिस इज इक्वल टू n। ये भी कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है तो वो पहले कर रहा हूँ ठीक है। हाँ तो m इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2n। चलो आगे आओ जरा। अच्छा दिस इज 2n, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2n के, 2n के ठीक है। तो यहां से क्या आ गया 2 am plus m into m minus 1 into d, this is 2n।